हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल ट्रैवलहॉलिक मिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं कहाँ आप लोगों को लेके जा रही हूँ। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बाबा बौड़ो का छड़ी के मंदिर में। आप लोग सोच रहे हैं मेघालय के सीरीज़ के बीच में मैंने ये एपिसोड क्यों लाया, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और मैंने सोचा थोड़ा बाबा को दर्शन कराते हैं, लेकिन तारकेश्वर में अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, नहीं जा सकते, इसलिए सोचे बौड़ो का छड़ी घूम के आते। तो जब मैं आई हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा दर्शन करवा दूँ, इसीलिए मेघालय के सीरीज़ के बीच में ही मैंने ये एपिसोड लाया। तो चलिए मेरे साथ आज बाबा का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। संडे सुबह शियालदा से 9:15 का बजबज लोकल पकड़ के हम लोग रवाना हुए बजबज के लिए। बजबज से हम लोग ऑटो करके जाएंगे बाबा बौड़ो का छड़ी के मंदिर। लेकिन आप लोग अगर बाई रोड जाना चाहते हैं तो बिहाला ठाकुर पुकुर होके आमतौला क्रॉस करके बाकराहाट मोड़ से आपको थोड़ा सा ही अंदर जाना होगा। जो गांव में बाबा के मंदिर स्थापित है उस गांव का नाम है झिकुरबेड़िया। तो आप लोग बाई रोड भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रेन से ही जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को यही आसान लगा हमारे यहाँ से। तो इसलिए शियालदा से ट्रेन पकड़ के हम लोग रवाना हुए हैं बजबज के लिए। शियालदा से बजबज का ट्रेन भाड़ा है अप एंड डाउन 20 रुपया। हम लोग पहुंच गए बजबज स्टेशन। 50 से 55 मिनट ही लगाए हम लोगों को बजबज पहुंचने में। बजबज स्टेशन का एक्चुअल नाम है कुमागता मारू बजबज। हम लोग सब कोई बजबज नाम से ही पहचानते हैं, लेकिन इसका असली नाम है कुमागता मारू बजबज। स्टेशन से निकलते ही आपको ये ऑटो स्टैंड दिख जाएगा। यहाँ से आप लोग ऑटो लेके 2-3 ऑटो चेंज करके फिर बौड़ो का छड़ी के मंदिर पहुँचा जाता है। पहले यहाँ से आपको ऑटो लेके चोड़ियल मोड़ जाना होगा। चोड़ियल मोड़ से आपको बाकराहाट का ऑटो लेना होगा। बाकराहाट से फिर एक टोटो लेके थोड़ा सा अंदर जाना होता है, वो डायरेक्ट आपको बाबा के मंदिर उतार देगा। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे थे कोई डायरेक्ट ऑटो मिल जाए, तो हम लोग डायरेक्ट ऑटो कर लेंगे, क्योंकि हम लोग 4 जन थे, तो इसीलिए हम लोग 2-3 ऑटो से बात कर लिए और बात करके एक ऑटो फाइनल किए। वो हम लोगों को 450 रुपया चार्ज किया लेके जाने का और आने का। वो यहाँ से लेके जाएंगे और फिर हम लोगों को बजबज स्टेशन छोड़ेंगे 450 रुपये में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो ऑटो बुक कर लेते, क्योंकि ऐसे भी आपको जाने में 2-3 ऑटो चेंज करके 50 रुपया लग जाएगा, फिर आपको आने में भी 50 रुपया लग जाएगा, और हम लोग 4 जन थे तो 400 रुपया ऑलरेडी लग जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने ऑटो रिजर्व कर लिया। और एक रास्ता है, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं थोड़ा सा आगे जाके मेन रोड पड़ेगा, वहाँ से आप लोगों को आमतौला के लिए मैजिक गाड़ी मिलता है। तो आमतौला के लिए आप मैजिक गाड़ी ले सकते हैं, 25 रुपया भाड़ा है उसका। मैजिक गाड़ी लेके आप बाकराहाट पहुँचिए, बाकराहाट से आप 10 रुपये का टोटो लेके बाबा के मंदिर पहुँच सकते हैं। तो 2-3 वे है, आप लोग जो ठीक लगे आप वैसे जा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 5-6 जन हैं, क्योंकि एक ऑटो में 6 जन ये लेते हैं, 6 जन आप लोग हैं तो एक ऑटो रिजर्व कर लीजिए। लेकिन ऑटो एक्चुअली जाने का 300 रुपया चार्ज करता है 6 लोगों के लिए और आने का 300। लेकिन क्योंकि आज संडे था उतना रश नहीं था, इसीलिए वो लोग हमने थोड़ा नेगोशिएट किया और 450 में दादा राजी हो गए। लेकिन आप लोग अगर मंडे या सैटरडे आते तो थोड़ा सा चार्ज आप लोगों को ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आप लोग अगर 6 जन रहेंगे तो 50 रुपया करके देंगे तो हो जाएगा 300 रुपीज़। और थोड़ा सा नेगोशिएशन कर लीजिएगा तो थोड़ा सा कम आप लोगों को मिल जाएगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए बाबा का मंदिर। बजबज स्टेशन से 40 मिनट तो लग ही गया हम लोगों को पहुंचने में। थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ही है, तो आप लोग अगर ऑटो रिजर्व करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। तो ये एक दुकान है, यहीं से हम लोग डाला ख़रीद रहे हैं। आपको यहाँ से, यहाँ पे हर एक रकम का डाला मिल जाएगा, 20 रुपया 30 रुपये हर एक रकम का डाला है। आपको जो ठीक लगे आप लेके आगे बढ़िए, आगे बाबा का मंदिर है। रास्ते में बहुत सारे दुकान भी है, बहुत कुछ बिक रहे थे यहाँ पे, तो दुकान में आप कुछ चाहे तो आप ख़रीद भी सकते हैं। ये है दूध पुकुर। आप लोग अगर नहाना चाहते हैं तो यहीं पे नहा के फिर आप बाबा के माथे में पानी डालने जा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से सब कोई पानी लेके इसी पुकुर का पानी लेके बाबा के माथे में ढाला जाता है। यहाँ का यही रीत है। तो हम लोगों ने भी पानी भर लिया, अब चलते हैं बाबा के मंदिर में।
इस मंदिर को लेके बहुत सारे अलौकिक कहानियाँ जुड़ी हुई है। कहा जाता है 1750 में जब बांग्ला के ऊपर बोर्गी का हमला हुआ था, तब गांव वाले पास के एक जंगल में अपना आश्रय लिए थे। वहीं पे छुपने के लिए वो लोग गए थे, लेकिन वो जंगल एक्चुअली में एक शमशान था। वहाँ पे रहने के समय गांव वालों का कहना था कि बाबा भूतनाथ अपना कचहरी बैठाते हैं इस शमशान में। जैसे जैसे दिन बीतता गया, गांव वाले के मन में ये विश्वास और जागरूक हुआ। वो लोगों का मानना था कि बाबा भूतनाथ का ये कचहरी सबसे बड़ा कचहरी है। तब से इस जगह का नाम है बौड़ो कचहरी या भूतेर कचहरी। तब से ही इस जगह पे बाबा भूतनाथ का पूजा होने लगा और इस जगह का नाम रखा गया बौड़ो कचहरी। कुछ दिन बाद इसी शमशान में एक साधु बाबा आके रहने लगे और उन गाँव वालों का कहना था कि वो जो बोलते थे वो हो जाता था। उस साधु बाबा ने इस गांव का बहुत उन्नति किया था। गांव वालों का कहना था खुद भूतनाथ बाबा ही थे वो साधु बाबा, इसीलिए वो गांव वाले साधु बाबा को बहुत मानने लगे और गांव का बहुत उन्नति हुआ। लेकिन कुछ सालों बाद साधु बाबा मारे जाते हैं, तो गांव वाले ने उनका सब जलाया नहीं, इसी शमशान में उनका समाधि बना दिया। कुछ दिनों बाद उनके समाधि के ऊपर से एक पीपल का पेड़ उगने लगा और धीरे धीरे वो पेड़ एक बहुत बड़ा आकार ले लिया। तो गांव वालों का मानना था कि वो साधु बाबा ही ये पीपल का पेड़ है। तभी से उस पेड़ को गांव वाले बहुत मानने लगे और उस पेड़ को ही पूजा करने लगे। उस पेड़ के नीचे ही बाबा भूतनाथ का मूर्ति रख के वहाँ पे पूजा होता था और वो पेड़ को घिर के ही एक वेदी बनाया गया और वही है बौड़ो कचहरी का मंदिर। यहाँ पे कोई मंदिर अलग से नहीं बनाया गया है, इस पेड़ को घिर के ही एक मंदिर बनाया गया है। जो शरणार्थी यहाँ पे आते हैं वो इस पीपल के पेड़ को पूजा करते हैं और यहाँ पे बाबा का पूजा करके अपनी मनोकामना बताते हैं बाबा को। और यहाँ आपके मंदिर में आप कुछ आपका मनोकामना हो तो आप लिख के भी यहाँ पे बांध सकते हैं। आपका जो मनोकामना हो वो एक पेपर में लिख के यहाँ पे लाल धागे से सबको बांध के जाता है। तो हम लोगों ने भी ये रिचुअल कर लिया, अपना मनोकामना बाबा को बता के इस पेपर में लिख के यहाँ पे बांध दिया। इस मंदिर का बहुत बहुत नाम सुना था, बहुत जागरूक है यहाँ के बाबा, तो बहुत शरणार्थी सालों भर यहाँ पे आते रहते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे अपने संतान की मनोकामना लेके छोटे छोटे गोपाल रख के जाते हैं शरणार्थी, और जब उनका मनोकामना पूरा होता है तो अपने बच्चे का मुंडन यहाँ पे करवाते हैं। बहुत दिनों से मन था यहाँ पे आके बाबा का दर्शन करने का, तो आखिर में बाबा ने दर्शन दे ही दिया। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा कर लिया, बाबा का दर्शन हो गया। आज संडे है, थोड़ा सा भीड़ कम है लेकिन फिर भी उस जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसी तरह बाबा के सर में पानी डाले तो दर्शन भी अच्छे से हो गया। तो अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, तो चलिए। तो बाबा का दर्शन में आप लोगों को कैसा करवा पाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करेंगे मैं उतना ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंच पाऊंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा मेघालय का सीरीज़ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है मेघालय। तो मेघालय का सीरीज़ देखने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए यहीं पर गुड बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में मेघालय का सीरीज लेके।